हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का न्यू एरा पे। मेरा नाम है देवांश मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग एक छोटी सी टॉपिक देखने वाले हैं, पोटेंशियोमीटर, जिसके ऊपर हम लोग एक छोटा सा चर्चा करेंगे कि कैसे हम लोग पोटेंशियोमीटर में हम लोग ईएमएफ कैलकुलेट करते हैं किसी भी अननोन सेल का। आप लोग को पता होगा कि बेसिकली हम लोग पोटेंशियोमीटर में कोई भी अगर अपने पास अननोन सेल है तो उसका ईएमएफ आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। या अगर मान लो दो दो सेल दे रखी है तो अगर आपको उसका ईएमएफ अगर डिटरमाइन करना हो, उनका EMF अगर कंपेयर कराना हो, तो भी आप पोटेंशियोमीटर की हेल्प ले सकते हैं। हाँ कि ना, ये छोटी सी बात आप लोग को पता होगी। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर में दो छोटी छोटी पॉइंट आती है। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द EMF ऑफ द सेल। इट इज यूज्ड टू कंपेयर द EMF ऑफ द सेल, या फिर इट इज यूज्ड टू Determine the EMF of the cell. क्या कोई भी सेल अगर अपने पास दी हो तो क्या आप उसका EMF कैलकुलेट कर सकते हैं by the help of the potentiometer device? हाँ कि ना, थोड़ा लंबा थोड़ा डिवाइस होता है बेसिकली पोटेंशियोमीटर का, और ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है आइए जल्दी से वो भी समझते हैं, और कैसे ये दोनों चीजों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, और फिर ये समझेंगे कि हाउ टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल। ठीक है, जल्दी से लेट नहीं करेंगे और अपने मुद्दे पे चलते हैं। जैसे मान लो अगर पोटेंशियोमीटर डिवाइस आप कभी देखे होंगे तो एक्चुअली में पोटेंशियोमीटर कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये अपनी लगी हुई है एक कोई भी सेल छोटी सी, या मान लो बैटरी लगी हुई है जिसका पोटेंशियल अपने को पता है, जिसके बेसिस पे पूरा जो अपना पोटेंशियोमीटर है वो सर्किट एपरेटस काम करने वाली है। ठीक है, अब जो है ये बेसिकली पोटेंशियोमीटर है, और यहां पे हम लोग एक लॉन्ग वायर लेते हैं। देख ध्यान से देखना, ये हम लोग एक वायर ले रहे हैं। ठीक है, और ये एक ऐसा वायर है जिसके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं की गई है। आ रही बात आपको समझ में? ये जो वायर है बेसिकली इसके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं की गई है। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे ना इस वायर के मतलब समझिए आपकी ये अपना वायर है। आप थोड़ा मेरे इमेज में देखिएगा, ये वायर है। ठीक है, इसके इस वायर के जस्ट नीचे एक स्केल दे रखी होती है, एक स्केल रखी होती है। ठीक है, वो तकरीबन उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, हम लोग यहाँ 100 सेंटीमीटर मान के करेंगे कि उस स्केल की जो लेंथ है वो 100 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो इस वायर के नीचे जो ब्लू कलर की है, दिस इज द वायर, जो ब्लू कलर का हम लोग रिप्रेजेंटेशन किए हैं वो बेसिकली अपना वायर है। ठीक है, और उसके नीचे अपने को एक स्केल दे रखी होती है जिसकी लेंथ तकरीबन मान लेते हैं हम लोग 100 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर है। अब आप ध्यान से देखते रहिएगा, ये बेसिकली स्केल है अपना। ठीक है, और इस पे ऐसे मार्किंग दी हुई है, ऐसे 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 मार्किंग दे रखी है इस स्केल पे ऐसे। ठीक है, लेंथ की मार्किंग दे रखी है। ठीक है, ओके, अच्छा भैया आपकी बात सही है भैया, मार्किंग दे रखी है। और ये जो वायर बेसिकली ब्लू वाली अपनी जो वायर है ना, आप याद रखिएगा ये जो वायर है अपनी, ये वायर में कोटिंग नहीं की गई है, कोई भी कोटिंग नहीं की गई है, जिसको बोलते हैं ना नंगा तार, बेसिकली वही है ये। ठीक है, तो अब यहां पे मान लीजिए आपको ये वी वोल्ट की बैटरी जो है आपके पास है। कितने वोल्ट की? वी वोल्ट की बैटरी है। तो जाहिर सी बात है, क्या यहां पे वी, क्या यहां पे जीरो, और क्या यहां पे वी, क्या यहां पे भी जीरो होगा? हाँ कि ना, पक्की बात। क्या पोटेंशियल आपको ऐसे लिखने आता है ना अक्रॉस द बैटरी? तो जाहिर सी बात है यहां वी होगा तो यहां भी पोटेंशियल वी होगा, यहां जीरो होगा तो क्या यहां भी जीरो होगा? हाँ ना, बोलना पड़ेगा भैया। हाँ भैया, आपकी बात समझ में आ रही है। अब मान लेते हैं लेट से ये जो वायर हम लोग लिए हुए हैं इसकी लेंथ, लेट से हम लोग मान लेते हैं इसकी लेंथ जो है एल है। ठीक है, ये जनरली कुछ भी लेंथ की हो जाती है। ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं इसकी जो टोटल लेंथ है वो एल दे रखी है वायर की, ये जो वायर हम लोग ले रखे हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जो भी अपना सेल अननोन है वो सेल ले आकर के यहां पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं विद द पैरेलल। ठीक है, यहां पे इस वाले जो ये जो अपना वायर है, ये जो वायर है ये वाला, इसके पैरेलल में ले आके हम लोग अननोन ईएमएफ, लेट से मान लेते हैं इसका ईएमएफ अपने को नहीं पता, इसका ईएमएफ हम लोग मान लेते हैं ई है। ठीक है, और यहां पे हम लोग क्या कर दिए, की लगा दिए हैं छोटी सी, और यहां पे गैल्वानोमीटर ले आके जोड़ दिए, और उसके बाद यहां पे जॉकी लगा दिए। जॉकी बेसिकली क्या करता है, जब आपको कनेक्शन चेंज करना होता है ना तो आप जॉकी का इस्तेमाल करते हो। जैसे एक चीज होती है कि आप दो वायर को ले आकर के ऐसे ऐसे करके टाइट कर दिए, अब आप उसके कनेक्शन को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जॉकी हेल्प करता है ताकि हम लोग कनेक्शन को इधर उधर कर सकें स्केल के ऊपर या उस वायर के ऊपर जो स्केल के ऊपर रखा है। जैसे यहां पर ये वायर स्केल के ऊपर रखा है तो जॉकी हेल्प अस कि हम लोग इस वायर को ऐसे ऐसे मूव करा सके। अब मूव कराने की नौबत क्यों आती है ये सुनिए। अच्छा ये देखिए, अब आप ये बेसिकली हम लोग का एपरेटस तैयार हो गया है पोटेंशियोमीटर का, बस छोटी सी चीज समझनी है अपने को। देखिए
अगर ये बैटरी जो V वोल्ट की है, अगर इधर V पोटेंशियल जनरेट करेगा, इधर जीरो पोटेंशियल जनरेट करेगा, तो क्या आप इस वाले जो वायर ये लगी हुई है इतनी लंबी सी L लेंथ की जो वायर है, क्या आप इसका पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या आप इसका पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं? क्या होगा पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ? यानी कि पोटेंशियल जो इसका पर यूनिट लेंथ होगा वो होगा V बाई L. ये V बाई L क्या है? V by L is the potential per unit length of the wire. हाँ कि ना, क्योंकि आप इस वायर में जो टोटल पोटेंशियल दे रहे हो इस बैटरी की वजह से वो कैपिटल V है. हाँ कि ना, और जो वायर की टोटल लेंथ है वो लेट से कितनी है? L है, L, L है, ठीक है. तो जो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ होगी वो कितनी होगी? V by L होगी, जाहिर सी बात है. यानी कि एक यूनिट वायर का जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? V by L होगा. हाँ कि ना. हाँ भाई, आपकी बात समझ में आ गई, ठीक है. तो अब मान लीजिए आप क्या करिए, इस की को क्या करिए, क्लोज करा दीजिए. इस की को क्या कर दीजिए, क्लोज करा दीजिए. और अब क्या करिए आप, जाहिर सी बात है जैसे ही आप की क्लोज कराएंगे तो आपको दिखेगा कि गैल्वेनोमीटर में करंट जो है फ्लो हो रही है. अब आप क्या करिए, इस जॉकी के हेल्प से आप पूरे कनेक्शन को चेंज करते रहिए, कनेक्शन चेंज करते रहिए इस वायर के ऊपर. जब आप कनेक्शन चेंज कर रहे होंगे ना, आपको एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे दिखेगा कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रही है वो जीरो है. गैल्वेनोमीटर में करंट जो जा रही है वो कितनी है? वो जीरो है. अगर गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो है, इसका मतलब क्या है कि अब यहां पे चार्ज फ्लो होना या करंट फ्लो होना बंद हो गया है. हाँ कि ना. और ये चार्ज फ्लो या करंट फ्लो होना कब बंद होगा? जब यहां वाले सेल का ईएमएफ इतने, मान लेते हैं आपका जो करंट जीरो आया वो एल डैश डिस्टेंस पे आया. कितने डिस्टेंस पे? एल डैश डिस्टेंस पे, ठीक है. कि ये जो गैल्वेनोमीटर है, जो करंट का डिफ्लेक्शन है, वो जीरो दे रहा है एल डैश डिस्टेंस पे, ठीक है. अब जैसे ही एल डैश डिस्टेंस पे आपको दिखा कि ओ माय गॉड, ये गैल्वेनोमीटर जीरो करंट दिख रहा है, यानी कि आपको वहीं पे समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाले लेंथ, ये जो लेंथ एल डैश है, इस एल डैश लेंथ में जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है और जो बैटरी जो ऊपर हम लोग सेल रखे हैं अननोन सेल, उसका जो ईएमएफ है वो सेम हो चुका है. जाहिर सी बात है, अगर मान लो आप दो कंटेनर लिए हो और इन दोनों कंटेनर को जोड़ दो और इसमें पूरी पानी फुल ऑन भर दो, ठीक है, ये पूरा पानी फुल ऑन भर दो, पक्की बात. अब आप क्या करो, इस कंटेनर से पानी जाने दो, तो ये पानी तब तक इधर जाता जाएगा जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए. हाँ ना, बोलना पड़ेगा भैया. हाँ भैया, आपकी बात समझ में आ रही है. तो उसी तरीके से गैल्वेनोमीटर में करंट कब जीरो होगा? जब इस इतने डिस्टेंस का ईएमएफ इतने इस सेल के ईएमएफ के इक्वल ना आ जाए. आ रही बात समझ में? यानी कि अगर आप इतने डिस्टेंस का ईएमएफ अगर कैलकुलेट कर लिए जहां पे गैल्वेनोमीटर करंट जीरो शो कर रहा है, तो अगर उतने डिस्टेंस का अगर आप ईएमएफ कैलकुलेट कर लिए तो आपको जाहिर सी बात है इस सेल का भी ईएमएफ पता चल जाएगा. हाँ ना, बोलना पड़ेगा भैया. हाँ भैया, आपकी बात समझ में आ रही है. अच्छा, अब देखिए, अपने को पता है कि पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना है इस वायर का. हाँ कि ना. तो अगर मान लीजिए एल डैश डिस्टेंस, मतलब अगर एल डैश डिस्टेंस यानी कि इतनी दूरी का अगर आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो एक यूनिट लेंथ का आपको पोटेंशियल पता है, दैट इज वी बाई एल. यानी कि एक टॉफी का दाम आपको पता है वी बाई एल. तो एल डैश डिस्टेंस में कितना पोटेंशियल जनरेट होगा? क्या इसमें एल डैश का मल्टीप्लाई कर देंगे? हाँ कि ना. क्या यही ईएमएफ ई के इक्वल होगा? क्या यही ईएमएफ ई के इक्वल होगा? यार हाँ ना, बोलो. काफी सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश किए हैं. ये जो ईएमएफ ई है, ये वी बाई एल इंटू एल डैश के इक्वल क्यों है? वी बाई एल इज द पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ. आपको एक यूनिट लेंथ में कितना पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, क्या आपको V by L पता है? हाँ कि ना. अच्छा, अगर उसमें आप L dash का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आपको वो डिस्टेंस का पोटेंशियल पता चल जाएगा जहां पे गैल्वेनोमीटर क्या जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है? और गैल्वेनोमीटर तब जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा जब यहां पे करंट फ्लो रुक जाएगा इस गैल्वेनोमीटर में, और करंट फ्लो तब रुकेगा जब इस वाले सेल का ईएमएफ इतने डिस्टेंस के ईएमएफ के इक्वल आ जाएगा. हाँ ना, बोलना पड़ेगा. तो क्या आप ये रिलेशन नहीं लिख सकते हो? एक यूनिट V by L इज द एक यूनिट का, एक यूनिट लेंथ का पोटेंशियल, अगर एल डैश का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एल डैश डिस्टेंस का पोटेंशियल, और वो किसके इक्वल होगा? इसके ईएमएफ के इक्वल होगा. सिंपल. क्या आप अननोन ईएमएफ, और आपको ये एल और एल डैश दिख रहा होगा क्योंकि आपके नीचे जो है वायर के नीचे एक स्केल लगी हुई है. तो जब आप ऐसे टक करके देखोगे जॉकी से कि अच्छा गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो दिख रहा है, अच्छा फिर उसके वायर के नीचे आप देखे कि अच्छा स्केल लगा हुआ है वहां पे 45 सेंटीमीटर दे रहा है, तो क्या आपको एल डैश की वैल्यू पता चल जाएगी? आपको L पता ही है क्योंकि आपको स्केल दिख रहा होगा कि वो वायर कितना बड़ा होगा, और आपको जो बैटरी आप ये V ले रहे हो आपको उसकी भी वैल्यू पता है, तो क्या आप EMF नहीं निकाल सकते हो? हाँ ना, बोलना पड़ेगा भैया. हाँ भैया, आपकी बात समझ में आ रही है. अच्छा, ये तो हो गया हम लोग कैसे EMF कैलकुलेट करते हैं किसी भी अननोन सेल का. अब आइए हम लोग कंपेयर कराते हैं. मान लेते हैं अपने पास दो सेल है, ठीक है,
अपने पास क्या मानते हैं कि दो सेल है, एक का ईएमएफ इवन है, यहां पे की लगा हुआ है ऐसे, और दूसरा जो सेल है उसका ईएमएफ अपने को दे रखा है, यहां पे भी की लगा हुआ है इसमें, ठीक है, और यहां पे आके ये दोनों जो है जुड़ जा रहे हैं, ठीक है, यहां पे आके ये दोनों चीजें क्या हो रही हैं, जुड़ जा रही हैं, और इसका ईएमएफ फ्लैट से मान लेते हैं 2 है, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं नीचे वाला। अब अपने को E1 और E2 कंपेयर कराना है। देखो आप क्या करो, जब E1 E2 आपको कंपेयर कराना है ना, एक बार क्या करो आप E1 वाले की को क्या करो, E1 वाले की को क्या करो, क्लोज कर दो, E1 वाले की को क्या करो, क्लोज कर दो, और E2 वाले की को क्या करो, ओपन कर दो, मतलब E1 वाला की ओपन क्लोज कर दो और E2 वाला की क्या करो, ओपन रखो। तो जाहिर सी बात है जब आप E2 वाला की ओपन करेंगे तो क्या आपको फर्क पड़ेगा E2 के होने से, क्योंकि वो तो ओपन है ना यार, तो आप E2 को छोड़ दीजिए, आप E1 पे सिर्फ बात करिए क्योंकि E2 का की ओपन है, ठीक है। अब आप फिर से वही जॉकी को ऐसे ऐसे दौड़ाइए, मान लेते हैं लेट से जो आपका गैल्वेनोमीटर जीरो करंट डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो LIS पे शो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो E1 निकल के आएगा, यहां से जो E1 निकल के आएगा वो V/L दैट इज पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और जहां वो बैलेंसिंग हुई है LIS पे हुई है तो E1 की वैल्यू आ गई, जैसे ऊपर हम लोग निकाले, हाँ ना बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब आप क्या करिए, आप क्या करिए, E2 को, E2 के की को क्या करिए, क्लोज कर दीजिए, E2 के की को क्या करिए, क्लोज कर दीजिए, और E1 के की को क्या करिए, ओपन कर दीजिए। जब आप E1 वाले की को ओपन रखेंगे और E2 को क्लोज रखेंगे, अब क्या है, E1 को जो E1 के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि E1 जो है अपना वो ओपन हो चुका है, तो E1 के होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अच्छा, यानी कि अब जो खेल खेलेगा वो E2 खेलेगा। फिर अब आप क्या करिए, गैल्वेनोमीटर को, मतलब ये जॉकी को फिर से दौड़ाइए। लेट से मान लीजिए आप दौड़ा रहे हैं और जो आपका बैलेंसिंग पॉइंट आ रहा है, बैलेंसिंग पॉइंट मतलब जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो करंट शो कर रहा है, वो मान लेते हैं L' पे आया, ठीक है, मान लेते हैं वो कितने डिस्टेंस पे आया, मान लेते हैं वो L" पे आया, L" पे आया, ठीक है। तो E2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए आपको पता है कि पर यूनिट लेंथ का पोटेंशियल तो V/L ही होने वाला है, हाँ कि ना, तो आपको L' डिस्टेंस का अगर आपको पोटेंशियल चाहिए, क्या इसमें L" का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, आ रही बात समझ में, क्योंकि अब E2 का जब आप EMF निकालने जाओगे तो जो L' डिस्टेंस, अब देखो यहां पे ये जो की है ना, हम थोड़ा इरेज करके दिखा देते हैं ताकि कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा ये इरेज हो रहा है लेकिन फिर भी सह लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये जो गैल्वेनोमीटर है, अब ये जॉकी अब यहां जा पहुंची है, तो जाहिर सी बात है E2 का EMF जो है वो इतने L" वाले डिस्टेंस के EMF के इक्वल होगा, हाँ ना बोलना पड़ेगा, क्योंकि तभी गैल्वेनोमीटर में करंट जो है जीरो दिखेगी, पक्की बात, हाँ सर आपकी बात समझ में आ रही है, हाँ भाई आपकी बात अच्छे तरीके समझ में आ रही है। तो क्या E2 is equal to V/L into L". अब ये जो है इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये इक्वेशन नंबर 2 मान लो, और E1/E2 कर दो, E1/E2 करोगे आपको दिख जाएगा L'/L". क्या ये आप दो सेल का EMF कंपेयर करा सकते हो, हाँ कि ना। ये छोटा सा टॉपिक था पोटेंशियोमीटर, आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो कमेंट करिए यार कि आपको ये टॉपिक समझ में आया। अगर आप चाहते हो कि हम इस पे, क्योंकि आपको पता है पोटेंशियोमीटर का एक और यूज है, पोटेंशियोमीटर का एक और क्या यूज है कि हम लोग कोई भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग मेजर कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अगर आपको वो उस पर भी लेक्चर चाहिए तो आप प्लीज कमेंट डाउन करिए, आपको के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो कमेंट डाउन करिए। अगर आप कमेंट अच्छा करते हैं तो अगले वीडियो में हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बाद इसके ऊपर जो भी जेई एडवांस में या मेंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे हम लोग, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं यार अगले वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है, और प्यार दिखाते रहो। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, बहुत अच्छा कुछ चल रहा है दिमाग में आप लोग को करने के लिए, धीरे धीरे वो सामने आएगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, हेल्थ का ध्यान रखिए, मिलते हैं, बाय।